नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद बिहार में सत्ताधारी जेडीयू ने उनका साथ दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन ने कहा कि ये केजरीवाल के खिलाफ केंद्र के बदले की कार्रवाई है। 2024 में भारत भाजपा मुक्त ये देश हो जाएगा, इसी के चलते नेता ने सीबीआई को बीजेपी का पालतू तोता करार दिया है। और क्या कहा राजीव रंजन ने, आपको सुनाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय जांच ब्यूरो के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए जाने को जनता दल यूनाइटेड ने बदले की कार्रवाई बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने विपक्षी एकता की सकारात्मक पहल से केंद्र की भाजपा सरकार के बौखलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना के तहत अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि देश और देशवासियों को फांसीवादी तरीकों से बचाना है, जिसके लिए अब 2024 में भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। लल्लन सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार अपने विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध पालतू तोतों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी 11-12 अप्रैल को विपक्षी एकता के लिए सकारात्मक पहल होते ही तिलमिलाई भाजपा सरकार के दिलों और दिमाग में बदले की भावना बड़क उठी है और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिल गया है। ललन सिंह ने कहा कि उन्हें 81,000 करोड़ का कॉरपोरेट घोटाला दिखाई नहीं देता। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को ही ईडी पर आबकारी नीति मामले में अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे दावा करते हुए लिखा कि कुछ भी करें, लेकिन विपक्षी एकता का प्रयास जारी रहेगा। देश और देशवासियों को फांसीवादी तरीकों से बचाना है और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है। उल्लेखनीय है कि इसी सप्ताह में दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल के तहत अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने नीतीश की पहल की प्रशंसा भी की थी और इस दौरान कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं से भी नीतीश की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अब राजीव रंजन भी केजरीवाल को फुल सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल राजीव रंजन का ये, बाकी विपक्षी दलों का अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या स्टैंड है, इससे कई ज्यादा मायने रखता है कि इन सभी पार्टियों का न्याय और कानून के प्रति क्या विचारधारा है। आज के समय में कोर्ट की तरफ से भी सिसोदिया को निजात नहीं मिला है। लालू परिवार भी लगातार अपने घोटाले की सफाई में कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी सीबीआई के दफ्तर में तलब हो रहा है। वहीं अगर ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के शक में आ रहे हैं और इसे सियासी रंग बताकर न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, ये कहां तक ठीक है? हमारे कानून पर सवाल उठाना कहां तक लाजमी है? इसी सवाल के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।